हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसन की स्वादिष्ट बर्फ़ी। बिल्कुल हलवाई जैसे ये बर्फ़ी बने हैं और इतने सॉफ्ट ये बर्फ़ी बने हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले। अब मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतने सॉफ्ट ये बर्फ़ी बने हैं। तो चलिए देखते हैं ये बर्फ़ी हम कैसे बनाएँ। एक पैन लेंगे, पैन को हीट होने देंगे और अब हम इसमें 1 स्पून घी ऐड करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना तो आप कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें 1-2 मिनट रोस्ट करेंगे। इसमें हमने लिया है कुछ चॉप किए हुए किशमिश, काजू और बादाम। ये 3 ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं जिनको मैं चॉप कर रही हूँ और इसे 1 मिनट के लिए इसे सौते करूँगी। अब हमारा ड्राई फ्रूट्स भुन चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें इसमें 1/2 कप घी ऐड करना है। जितना हमने लिया इसका हाफ ही हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ को हम इसमें बीच बीच में डालते रहेंगे जिससे कि ये हमारा जो बर्फ़ी है वो कम घी में और बिल्कुल स्वादिष्ट बन सके। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और हीट हो चुका है, अब हम इसमें 2 कप बेसन ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और हम इसे कॉन्टीन्यूसली चलाते रहेंगे जिससे कि जो हमारा बेसन है वो नीचे जले ना। तो इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हम इसमें फिर से घी ऐड करेंगे थोड़ा सा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घी हम बीच में ऐड करते रहेंगे जिससे कि जो ये हमारा बेसन है वो कम घी में भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से हम इसे भूनते रहेंगे। इस प्रोसेस को हमें बनाने में पूरा 10 मिनट तो लग जाते हैं इसे भुनने में। तो ये बेसन भुनते भुनते 10 मिनट लग जाते हैं और फिर अब हम इसमें फिर से घी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अब ये हमारा इतना बन चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप शुगर पाउडर ऐड करेंगे और अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये भी थोड़ा मेल्ट होता है तो जिससे ये हमारा बिल्कुल लिक्विड टाइप में हो जाता है थोड़ा। तो उसे हम भूनते रहेंगे ऐसे। तो अब ये हमारा इस टाइप से मेल्ट हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब हम इसे सिर्फ 2 मिनट और इस तरीके से कुक करना है। इस तरह से ये हमारा अब पक चुका है और ये घी भी छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे और उसके बाद हम इसे एक ट्रे में निकालेंगे। अब हम इसे एक ट्रे में निकालेंगे और पहले हम एक ट्रे लेंगे और इसमें हम घी ग्रीस करेंगे। आपके पास जो भी ट्रे है या प्लेट है आप उसे ले सकते हैं और उसमें इस टाइप से घी ग्रीस करना है। और यदि आपके पास बटर पेपर है तो आप उसे बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें घी ग्रीस करेंगे और अब हम ट्रे में निकालेंगे और इसे आप जिस टाइप का चाहें उस टाइप से इसे एक साइज देंगे। तो इसे अच्छे से इसमें हम सेट करेंगे। तो इस तरीके से इसे सेट करने के बाद हम इसे फ्रीज़र में डालकर रख देंगे 1 घंटे के लिए जिससे कि ये बहुत ही जल्दी उसमें ठंडा हो जाएगा और सेट हो जाएगा तो हम इसे ईज़िली कट कर सकेंगे। अब ये हमारा इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है।
अब हम इसमें सिल्वर पेपर ऐड करेंगे, अच्छे से इस पे सेट करेंगे सिल्वर पेपर, जिससे कि ये हमारा बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार होता है। तो इसलिए हम इस पे सिल्वर पेपर सेट करेंगे इस तरीके से। अब हम निकालेंगे इसे, इस तरीके से हम इसे प्रेस करेंगे और अब हम इसे जैसा चाहें उस टाइप का इसे शेप देंगे। तो इसे हम पहले इसके साइड्स को कट करके हटा लेंगे, उसके बाद हम इसे जिस टाइप का चाहें उस टाइप का इसे शेप देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हलवाई जैसे बेसन की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी और आप भी इसे ज़रूर बनाएं इस तरीके से और अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।